गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 8th की ऑनलाइन क्लासेज में हम शुरू कर रहे हैं नया पाठ, षष्ठ पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 6, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात सूना, सुताम अर्थात बेटी के, विना अर्थात बिना, या घर सूना बेटी के बिना, अर्थात बेटी के बिना घर जो है वह सूना होता है, यह पाठ का शीर्षक है। तो बेटी बेटा, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि बेटा, ये जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासों का आप प्रतिदिन जिस दिन जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जो विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका नियमित रूप से अध्ययन करें। सबसे पहली बात तो यही है। क्या होता है कि हमारी पढ़ाई जो है वह चलती जाती है, कई दिन हो जाते हैं, स्टूडेंट उसे पढ़ते नहीं हैं, और फिर एकदम से वह भार आपके ऊपर पड़ने लगता है। तो आपसे यही मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नियमित रूप से अध्ययन करें। तो आते हैं हम हमारी विषय वस्तु की ओर, और प्रारंभ करते हैं इस 6th पाठ को, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात घर सूना बेटी के बिना, अर्थात बेटी के बिना जो हमारा घर होता है वह बड़ा ही सूना सा होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस पाठ सार को, कि इस पाठ सार के अंतर्गत क्या चीज़ बताई गई है, क्या इसमें विषय वस्तु है, उसको सार रूप में जानने का मौका हमें यहाँ मिलता है। तो प्रारंभ करते हैं पाठ नंबर 6। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यानी कि यह जो पाठ है, यह कन्याओं की हत्या पर रोक करना और उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने की जो प्रेरणा है, इसके लिए इसको निर्मित किया गया है, इस पाठ को लिखा गया है। यानी कि इस चैप्टर का जो मुख्य रूप से जो इसका उद्देश्य है वह यह है कि कन्या हत्या पर रोक लगे, और दूसरी चीज़ कन्या हत्या की रोक के साथ साथ जो उन कन्याओं की जो शिक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाए, और उसकी प्रेरणा के लिए समाज को एक संदेश दिया जाए, इसी भावना को लेकर के इस पाठ को लिखा गया है। आगे जानते हैं, समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि आज हमारा जो ये समाज है, जो ये सामाजिक हमारा दृष्टिकोण है, इसमें आज भी वर्तमान समय में भी लड़के और लड़कियों के बीच ये भेदभाव की जो भावना है वह समाज के अंदर, परिवारों के अंदर आज भी जहाँ कहीं भी देखी जा सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से आज भी लड़के और लड़कियों के बीच में अंतर किया जाता है, उनके बीच में भेदभाव की भावना की जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। तो यह जो लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना है, इसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। निश्चय रूप से देखिए, एक सफल समाज के लिए, एक सफल देश के लिए जो ये फैक्टर है, लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की जो भावना है, इसको समाप्त किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि कन्या भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं, तो इस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में
प्रस्तुत किया गया है। और इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से, जिसका नाम है घर सूना बेटी के बिना, अर्थात बेटी के बिना घर जो है वो सूना होता है, इस चैप्टर के माध्यम से आज संवादात्मक शैली में इस बात को लेकर के बड़े ही सरल संस्कृत भाषा में इस चैप्टर को प्रस्तुत किया गया है, इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है आपके सामने। और इसके अंतर्गत संवादात्मक शैली, अब ये संवादात्मक शैली क्या होती है, संवाद मतलब आप जानते हैं बातचीत, और इस प्रकार की बातचीत रूपी जो शैली होती है उसे कहते हैं संवादात्मक शैली। इसमें ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाना कि भाई संवादात्मक शैली क्या होती है क्या नहीं, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न हमारे नहीं आता है, तो हम इतना ही समझे कि सिर्फ जो आपस में बातचीत, एक वार्तालाप तरीके की जो शैली होती है उसे संवादात्मक शैली कहते हैं। क्लियर? तो बेटा इस प्रकार से हमें पता लगा कि ये जो बेटी के बिना घर सूना जो चैप्टर है, इसके अंतर्गत कन्या की हत्या पर रोक और उसकी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ावा देने के लिए समाज को एक प्रेरणा रूपी संदेश इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। दूसरा, समाज के अंतर्गत जो फैली हुई जो एक महान, एक गंभीर जो बीमारी है, यानी कि जो लड़के और लड़कियों के अंतर जो भेदभाव की जो भावना की जाती है उसको समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, इसको दूर किए जाने की आवश्यकता है। और अंत की लाइन में कि ये जो पाठ है ये बड़ा ही सरल संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है और संवादात्मक शैली में इसका वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं हम हमारे जो विषय वस्तु है, जो हमारी चैप्टर की, जो हमारे पाठ की विषय वस्तु है उसकी ओर हम आगे चलते हैं। तो देखिए क्या बताया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ये कोई नाम है, ग्रीष्म अवकाशे अर्थात ग्रीष्म अवकाश में, पितृगृहम अर्थात पिताजी के घर आगच्छति, आ जाती है या आती है। अर्थात शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ती, परम तस्या भ्रात्री जाया उदासीना इव दृश्यते। सर्वे अर्थात सभी लोग प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से या प्रफुल्लित मन से, तस्या अर्थात उसका, शालिनी का, स्वागतम कुर्वन्ती स्वागत करते हैं, परम तस्या परंतु उसका, भ्रात्री जाया उदासीना इव दृश्यते। भ्रात्री जाया अर्थात उसकी जो भाभी है वह उदासीन अर्थात जिसके चेहरे पर हंसी ना हो, एक निर्मूल सा व्यक्ति, उदास सा व्यक्ति अर्थात उदासीन सी दृश्यते दिखाई देती है। अर्थात सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रात्री जाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं परंतु उसकी भाभी उदासीन सी लग रही है, उदास सी लग रही है। तो एक बार फिर से इन लाइनों का अर्थ मैं एक साथ कर रहा हूँ। शालिनी ग्रीष्म अवकाश से पितृगृहम आगच्छति, शालिनी ग्रीष्म अवकाश में गर्मी की छुट्टियों में पिताजी के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रात्री जाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है या उदास सी लग रही है। नेक्स्ट, शालिनी भ्रात्री जाए च
चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी के बोलती है, कहती है, भ्रात्री जाए भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतित लग रही हो, चिंतित से दिखाई दे रही हो, सर्वम कुशलम खलु। सर्वम अर्थात सब, कुशलम अर्थात कुशल, खलु अर्थात है या नहीं, यानी कि निश्चय रूप से। भाभी चिंतित लग रही हो, सब कुशल है ना, सब ठीक है ना। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदर्थम किम आनियानी शीतल पेयम चायम वा। माला जो उसकी भाभी का नाम है, वह बोलती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, त्वदर्थम किम आनियानी, तुम्हारे लिए क्या लाऊँ, शीतल पेयम चायम वा, ठंडा लेके आऊँ, ठंडा जल लेके आऊँ, ठंडा पेय पदार्थ लेके आऊँ, या फिर चाय लाओ। माला कहती है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, अहम कुशलिनी, मैं ठीक हूँ, मैं कुशल हूँ, त्वदर्थम किम आनियानी शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊँ, ठंडा पेय पदार्थ जल वगैरह लेके आऊँ या चाय लेके आऊँ। तो शालिनी बोलती है, अधुना तो किमपि न वांछामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। शालिनी कहती है, अधुना अर्थात अब या इस समय या अभी, तू तो किमपि कुछ भी, न नहीं, वांछामि चाहिए या इच्छा है, यानी कि अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं है या अभी कुछ नहीं चाहिए, रात्रौ सर्वे से भोजनम एव करिष्यामि। रात्रौ अर्थात रात्रि में, सर्वई अर्थात सभी के साथ में, भोजनम एव अर्थात भोजनी, करिष्यामि अर्थात करूँगी, रात्रि को सभी के साथ में भोजन ही करूँगी। नेक्स्ट, भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था च प्रतीयते स्म, परम सामुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी, मालाया माला की मनोदशा अर्थात मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, स्वस्थ नहीं लग रही थी, दिखाई दे रही थी, परम सा परंतु वह मुखेन मुख से, किमपि कुछ भी, न उक्तवती नहीं बोली। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, परम सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु वह अपने मुख से कुछ भी नहीं बोली। राकेश, भगिनी शालिनी दृष्टिया त्वं समागता अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसेव निश्चिता। अद्य एव मालया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है, त्वं माल्या सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद विधेयं तद संपादय। राकेश बोलता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया त्वं समागता, दृष्टिया त्वं समागता, अच्छा है तुम आ गई, अद्य मम कार्यालय, आज मेरे कार्यालय में,
एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता अचानक हो गई। राकेश बोलता है, बहन शालिनी, अच्छा है तुम आ गई आज मेरे ऑफिस में या कार्यालय में। एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक से हो गई है, एक सभा, गोष्ठी से तात्पर्य सभा से होता है या मीटिंग से होता है, वो अचानक से निश्चित हो गई है, अचानक हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है, त्वं मालिया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। अद्यैव आज ही मालायाः, माला का चिकित्सकया डॉक्टर से मेलनस्य मिलने का समय निर्धारित है, समय लिया हुआ है। त्वं मालिया से, तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ, चिकित्सक के या डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम, उसकी परामर्श के अनुसार या उसकी सलाह के अनुसार, यद विदे, जो करना है तद संपादीय वह करो। एक साथ राकेश का जो पूरा संवाद है उसे मैं एक साथ हिंदी अर्थ कर रहा हूँ। एक बार पहले संस्कृत बोल रहा हूँ और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ कर रहा हूँ। राकेश कहता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टिया त्वम समागता, तुमने ठीक किया या अच्छा किया कि तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय का महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या सभा अचानक से आयोजित की गई, निश्चित की गई। अद्य एव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारित है, और आज ही माला का चिकित्सक के डॉक्टर के साथ मिलना या मीटिंग थी या मिलने का समय लिया हुआ था। त्वं मालया से चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम तद संपादीय, जो करना है उसे करो या वह करो। तो एक साथ मैं इसका हिंदी अर्थ वापिस से कर रहा हूँ। बहन शालिनी, अच्छा है तुम आ गई आज मेरे ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी या सभा अचानक हो गई। आज ही माला का डॉक्टर से मिलने का समय दिया हुआ है, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ, उसकी सलाह से जो करना है वह करो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शालिनी, किम अभवत, शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ। रात्रि जाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। अहम तु है प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा था। शालिनी क्या बोलती है, कि मैं भवत, रात्रि जाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, अहम तु है प्रवर्ती पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें। शालिनी बोलती है, क्या हुआ, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना। मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है या ऐसा मुझे लग रहा था। क्लियर। तो ये था बेटा आपका, अब चलते हैं हम आगे। तो राकेश कहता है, चिंताया विषय नास्ति,
त्वं मालिया सह गच्च, मार्गे सा सर्वं ज्ञापिष्यति। राकेश कहता है चिंता या विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालिया सह गच्च, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापिष्यति, मार्ग में या रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। क्या कहा राकेश कहता है चिंता या विषय नास्ति, त्वं मालिया सह गच्च, मार्गे सा सर्वं ज्ञापिष्यति। चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, मार्ग में या रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए बातें करते हैं। माला और शालिनी चिकित्सक की के पास जाते हुए कुछ वार्ता करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। तो क्या बातचीत उनके मध्य हो रही है उसको हम पढ़ेंगे। शालिनी किम अभवत, भ्रात्री जाए का समस्या अस्ति। शालिनी बोलती है किम अभवत, क्या हुआ भ्रात्री जाए भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। शालिनी बोलती है किम अभवत भ्रात्री जाए का समस्या अस्ति। शालिनी बोलती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। तो माला बोलती है शालिनी अहम मास्त्रियस्य गर्भम सव कुक्षौ धारयामि, तव भ्रातृ आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम। अहम अतिव उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति। क्या क्या बात उनके अंतर्गत हो रही है तो देखते हैं। माला कहती है शालिनी अहम मास्त्रियम गर्भम सव कुक्षौ धारयामि। माला कहती है शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। अहम अर्थात मैं, मास्त्रियम मतलब 3 महीने का, गर्भम अर्थात गर्भ, सव कुक्षौ अर्थात अपनी कोख में, धारयामि अर्थात धारण किए हुए हो। माला कहती है शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तव अर्थात तुम्हारे, भ्रातु अर्थात भाई, आग्रह अस्ति आग्रह है, यत कि अहम मैं लिंग परीक्षणम कार्यम, कि मैं क्या करवाऊँ लिंग की जांच करवा लूँ, लिंग परीक्षण करवा लूँ। कुक्षौ कन्या अस्ति, कुक्षौ अर्थात कोख में, कन्या अस्ति यदि कन्या है, चेत गर्भम पातियम तो गर्भ गिरवा दूँ। क्या बात करती है वो, कहती है माला कि शालिनी मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, और यदि मेरी कोख में कन्या है तो मैं गर्भ गिरवा दूँ। अहम अति उद्विग्ना अस्मि, परम तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति। अहम अर्थात मैं, अतीव अर्थात बहुत अधिक, उद्विग्ना अस्ति अर्थात दुखी हूँ। परम तव भ्राता, परंतु तुम्हारे भाई, वार्ताम एव न शृणोति, बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, माला कहती है शालिनी मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ।
तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग की जांच करवा लूं, और कोख में यदि कन्या है तो मैं गर्भ को गिरवा दूं। मैं बहुत दुखी हूं, उद्विग्न हूं, परम तव भ्राता वार्ताम एव न श्रुणोति, परंतु तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्लियर बेटा? तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही हम अध्ययन करेंगे। तो आज का आपका जो होमवर्क है वह ये षष्ठ जो पाठ है, छठा पाठ जो है, गृहम शून्यम सुताम बिना, कि लड़की के बिना या कन्या के बिना घर जो है वह सूना होता है। इस पाठ का सबसे पहले तो आप में जो हिंदी में दिया गया जो सार था, उस पाठ सार को आपको अपनी कॉपी में रिटर्न करना है, लिखना है। उसके पश्चात आपको इस चैप्टर का हिंदी अर्थ करना है। संस्कृत आप नहीं लिखें चाहे, और कोई यदि छात्र लिखना चाहता है तो संस्कृत भी लिख सकता है, अन्यथा यदि संस्कृत नहीं भी लिखें तो आपको जितना मैंने शुरू से लेकर आज की क्लास में जितना मैंने आपको पढ़ाया है, वार्ताम एव न श्रुणोति, यहाँ तक आपको इसका हिंदी अर्थ भी लिखना है। तो ये कार्य बेटा आपको अपनी नोटबुक में करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूप से, और साथ ही साथ जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसे लर्न अवश्य करना है। निश्चित रूप से आपको उसका अध्ययन करना है एक बार दो बार, और जिस प्रकार से मैंने आपको सबसे पहले एक एक शब्द का अर्थ बताया, उसके बाद पूरे वाक्य का मैंने अर्थ किया, और फिर पूरे के पूरे जो एक संवाद, एक पात्र का जो संवाद है, जैसे माला है तो माला का, शालिनी है तो शालिनी का, राकेश है तो राकेश का, जिसका भी संवाद था, जिसका भी पात्र का संवाद, जिसकी भी बात थी, उसको कंप्लीट रूप से एक साथ पढ़ा। तो ठीक उसी तरीके से आपको एक एक शब्द को समझना है, और फिर एक एक वाक्य का आपको हिंदी अर्थ जो है वह करना है। क्लियर बेटा? तो ये था आपका आज का होमवर्क। दूसरी चीज़ मैं आपसे बेटा कहना चाहूँगा कि आपको जो मेरे द्वारा जो भी शुरू से लेकर अब तक ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत जो भी सिलेबस आपको पढ़ाया है वो आप कंप्लीट रखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रूप से आपकी नोटबुक में कंप्लीट हो, क्योंकि मैं किसी भी दिन रैंडमली तरीके से आप किसी भी छात्रों का ग्रुप वाइज या जिस भी प्रकार से मैं आपका होमवर्क चेक कर सकता हूँ। तो आप ये होमवर्क जो है वह कंप्लीट करके रखें। दूसरी एक और चीज़ होती है कि हम प्रतिदिन का काम यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो हमारे ऊपर उस चीज़ का बोझ नहीं बढ़ता है, वजन नहीं बढ़ता है, और हम नियमित रूप से अध्ययन करते हुए अपने शिखर की ओर आगे बढ़ते हैं। और यदि हम नियमित रूप से अध्ययन नहीं करते हैं तो वर्कलोड हमारे ऊपर बढ़ता रहता है, और हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे, इस तरीके से हम करते हुए हम किसी भी दिन नहीं पढ़ते हैं। तो बेटा आज का आपका जो होमवर्क है यही है, ये जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है इसका आपको हिंदी अर्थ करना है, सबसे पहले पाठ का सार लिखना है, उसके बाद चैप्टर का जितना पढ़ाया है उसका हिंदी अर्थ करना है, और साथ ही साथ इसको याद भी करना है। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम विराम देते हैं हमारी आज की इस क्लास को, जिस क्लास का जो विषय वस्तु थी वह थी गृहम शून्यम सुताम बिना, अर्थात गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात सूना या रिक्त, सुताम अर्थात पुत्री के या कन्या के, बिना अर्थात बिना, घर सूना कन्या के बिना, अर्थात कन्या के बिना जो घर होता है वह बिल्कुल सुनसान होता है, क्योंकि कन्या ही वह एक परी होती है जो घर के आंगन में चहकती रहती है, महकती रहती है, और हमारे घर आंगन को, हमारे घर को बड़े खुशहाल तरीके से रखती है। तो ये थी हमारी आज की
ऑनलाइन क्लास और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में कि आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे, हम देते हैं आज की ऑनलाइन क्लास को विराम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।